हमें जानकारी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो घंटा भी जरूर बजाना चाहिए हम। जो ना सुलझ सके वो जंजीर बन गई हो। दरअसल मोहब्बत में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स घुस आई है, जो पहली बार सुन रहे ध्यान से सुने। जो ना सुलझ सके वो जंजीर बन गई हो, तुम इश्क थी मेरा कश्मीर बन गई हो। तो वैसे मैं वीर रस सिंधी का कवि हूँ, लेकिन आज कुछ बदलने वाला हूँ। आज पहले एक गीत पढ़ता हूँ छोटा सा, उसके बाद एक गजल। कुमार विश्वास साहब की एक धुन उधार ली है, तो शुरू करता हूँ। कि ना हुआ था जो इस बार होने लगा, तेरी यादों में संसार खोने लगा। ना हुआ था जो इस बार होने लगा, तेरी यादों में संसार खोने लगा। तेरे दिल में है क्या ये मुझे क्या पता, तेरे दिल में है क्या ये मुझे क्या पता। तुमसे लेकिन मुझे प्यार होने लगा, तुमसे लेकिन मुझे प्यार होने लगा। ये वाला सुनिए। कि प्रेम के बीज मैं यार बोने लगा, दुश्मनों पर भी दिलदार होने लगा, दुश्मनों पर भी दिलदार होने लगा। अब दिवाली होली तक मैं रुकता नहीं, अब दिवाली होली तक मैं रुकता नहीं। जब मिलूं तुमसे त्योहार होने लगा, अगला वन सुनिए। के अब दिवाली होली तक मैं रुकता नहीं, अब दिवाली होली तक मैं रुकता नहीं। जब मिलूं तुमसे त्योहार होने लगा, जब मिलूं तुमसे त्योहार। बहुत धन्यवाद। एक और सुनिए। कि जिक्र तेरा ही हर बार होने लगा। ये कोई ऐसा प्रॉपर डिलाइट है कि इसको ये नहीं पता कि रविवार को इतवार भी कहते हैं, ऐसा कोई नहीं ना? ठीक है। कि जिक्र, और ये वाला जो बंद है, ये मोहल्ले के आशिकों के लिए नहीं है, ये वर्किंग प्लेस वालों के लिए है। ठीक है, कॉलेज या ये कोवर्क में जो काम करना ऐसे। ठीक है। कि जिक्र तेरा ही हर बार होने लगा, सपनों में तेरा दीदार होने लगा। देख हफ्ते में 6 दिन हमारा मिलन, देख हफ्ते में 6 दिन हमारा मिलन। अपनी किस्मत पे इतवार होने लगा, अपनी किस्मत पे इतवार होने लगा, अपनी किस्मत पे इतवार होने लगा। धन्यवाद। किस्मत पे इतवार होने लगा। अब जरा चेंज करते हैं, एक गजल ट्राई करिए आप। तो एक गजल ट्राई करिए, सुनिएगा। मतलब से अगर समझ में आए तो ठीक है, वरना अगले मिस्र तीसरे मिस्र शुरू में सुना जाएगा। कि सभी आज़ाद लफ्ज़ों पर मना ही बन गया है, ये मोहब्बत पर नहीं है, अलग है। कि सभी आज़ाद लफ्ज़ों पर मना ही बन गया है, सभी लाशों की तू जिंदा गवाही बन गया है। सभी 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 आज़ाद लफ्ज़ों पर मना ही बन गया है, सभी लाशों की तू जिंदा गवाही बन गया है। और सुनिएगा। कि खुदा को गोलियों के दम पे जब निकला बचाने, खुदा को गोलियों के दम पे जब निकला बचाने, तुझे लगने लगा कि तू खुदा ही बन गया है, तुझे लगने लगा कि तू खुदा ही बन गया है। खुदा को गोलियों के दम पे जब निकला बचाने, तुझे लगने लगा कि तू खुदा ही बन गया है। और सरों से बाप का साया लगा है छीनने तू, सरों से बाप का साया लगा है छीनने तू। कुरानों से भटक हैवान राही बन गया है, कुरानों से भटक हैवान राही बन गया है। और रटकर आयतें दुनिया बुरी समझी थी तूने, कि रटकर आयतें दुनिया बुरी समझी थी तूने। कि अब तू देख तू भी तो बुरा ही बन गया है, कि अब तू देख तू भी तो बुरा ही बन गया है। कि कहीं कुछ सर धड़ों से कर दिए तूने अलग जो, कहीं कुछ सर धड़ों से कर दिए तूने अलग जो। और ये वाला शेर उनके लिए है जो तुरंत उसको हीरो प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपना,
नए टेररिस्ट को कि कहीं कुछ सर धड़ों से कर दिए तूने अलग जो नई शैतान पीढ़ी का इलाही बन गया है, नई शैतान पीढ़ी का इलाही बन गया है। और अंतिम सुनिएगा अंतिम शेर कि सभी माओं की बद्दुआएं तुझको लग रही हैं, सभी माओं की बद्दुआएं तुझको लग रही हैं, मुबारक हो कि तू खुद की तबाही बन गया है, मुबारक हो कि तू खुद की तबाही बन गया है। बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और है, ये थोड़ा लाइट है, पहला शेर इसका इंटेंस है, उसके बाद लाइट है, एक्सपेरिमेंट किया है, अच्छा लगे तो बताइएगा, ताली बुरा लगे तब भी बजाइएगा, बाद में बताना कि बुरी है, ठीक है, बाद में फेसबुक पर बता देना। कि सावन के प्यासे बदनों की तड़पन जैसी होती है, इंटेंस है, कि सावन के प्यासे बदनों की तड़पन जैसी होती है, टूटे दिल की चीखें यारों बिल्कुल वैसी होती है, टूटे दिल की चीखें यारों बिल्कुल वैसी होती है। लड़के जरा ध्यान देना कि इश्क मोहब्बत में लड़कों मोहतरमाएं बच जाती हैं, इश्क मोहब्बत में लड़कों मोहतरमाएं बच जाती हैं, परम सत्य है अपनी ही ऐसी की तैसी होती है, परम सत्य है अपनी ही ऐसी की तैसी होती है। और जौआ समझते, जौआ एक बड़ा सा बर्तन टाइप होता है कि बहुत सारी चीज कि झौआ भर ब्रेकअप का बोझा ढोने वालों से पूछो, अरे झौआ भर ब्रेकअप का बोझा ढोने वालों से पूछो, इस दुनिया में भला लड़कियां कैसी कैसी होती हैं, इस दुनिया में भला लड़कियां कैसी कैसी होती हैं। और अंतिम शेर सुनाता हूं फिर जगह लेता हूं अपनी, कि एक लड़के ने मुझसे पूछा भला बेवफा होती कैसी, एक लड़के ने मुझसे पूछा भला बेवफा होती कैसी, तेरी फोटो दिखा के बोला बिल्कुल ऐसी होती है, तेरी फोटो। बहुत धन्यवाद।